दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तानी और इंडियन पिजन्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, सबको दिखाए। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, मसरूफ रहा काफ़ी दिन, कुछ गेस्ट भी आए हुए थे उनके साथ भी लगा रहा, लेकिन आज टाइम मिल गया है तो आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो जो है ये कंटिन्यूएशन है हमारी पिछली वीडियो का, जो कि परों के मुतालिक थी। इस वीडियो में मैं आपको परों की एक नई पहचान के बारे में बताऊंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी, और आप लोग गौर से देखिएगा इसको। इस वीडियो में मैं आपको तीन कबूतरों का शौक कराऊंगा जो कि मुख्तलिफ तरह की परों की लंबाई के रखते हैं, और ये तीनों ही अच्छी तरह के पर होते हैं, और ये तीनों इतने इस तरह के पर आप अपने कबूतरों में शामिल कर सकते हैं और ये अच्छी परवाज़ देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको पहला कबूतर दिखाता हूँ। तो ये आँख देखें इस कबूतर की, आप लोग शौक करें इस कबूतर का। अब मैं आता हूँ इस कबूतरों के परों की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी लास्ट वीडियोस में, जिसमें अगर आपको याद हो कि परों की क्या कहते हैं शाह परों के बारे में मैंने आपको बताया था कबूतरों के, और मैंने कबूतर की बगलों के बारे में आपको बताया था, और बगलें दिखाई नहीं थी कबूतरों की। अब आज मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, वो है कबूतर के परों की लंबाई कितनी होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कबूतरों के परों की लंबाई जो है वो क्या कहते हैं दुम तक होनी चाहिए। अमूमन आम सी बात है जो बहुत सारे उस्ताद बताते हैं कि कबूतर के परों की लंबाई दुम तक होनी चाहिए, लेकिन हर अच्छा कबूतर ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर परों की लंबाई दुम तक हो। ठीक है, उसमें कुछ छोटे भी होते हैं। अब ऐसे जैसे पहले भी हमने बात करी थी कि ज़रूरी नहीं है कि जिस कबूतर का पर अच्छा हो उसके हड्डी जोड़ भी अच्छे हो, इस तरह जिसके हड्डी जोड़ ख़राब हो उसका पर अच्छा भी हो सकता है। तो अब ये देखने की बात है कि क्योंकि कोई भी कबूतर 100% मुकम्मल नहीं होता, तो अब आपने ये देखना होगा कि अच्छा पर जिस कबूतर को लगा हुआ है क्या वो हड्डी जोड़ से भी मुकम्मल है या नहीं है। तो वो कबूतर लेना है जिसका पर भी अच्छा हो और हड्डी जोड़ से भी मुकम्मल हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ तीन तरह के परों की लंबाई होती है कबूतरों में जो मैं दिखाता हूँ आपको। एक होते हैं जो दुम तक होते हैं पूरे, एक होते हैं जो दुम से थोड़े कम होते हैं, और एक होते हैं जो दुम से थोड़े ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो आपको कबूतर दिखा रहा हूँ आप ये देखें, इसके पर देखें, ये दुम तक देखें कितने जा रहे हैं, इसकी लंबाई देखें इन परों की, ये देखें, ये देखें, ये इस कबूतर के पर जो है यहाँ आके ख़त्म हो गए। दुम से 1-1.5 इंच पहले रुक जाते हैं ये पर इसके, ये शाह पर जो है 10वीं कली और 9वीं कली जो होती है ना वो इनसे बड़े रुक जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये दुम आ गई और ये इसके परों और दुम के दरमियान का फासला आ गया। ठीक है, ये इसकी लंबाई है परों की, मतलब कम लंबे पर हैं। ऐसे कबूतरों भी अच्छे परवाज़ में पसंद किए जाते हैं और ज़्यादातर बाजियों में उस्ताद ऐसे कबूतरों को पसंद करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरह का पर दिखाऊंगा, वो देखिएगा आप लोग। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये हमारी डब वाली कबूतरी है और इसकी आंखें चेक करें आप लोग। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब मैं आपको जो बता रहा था कि परों की लंबाई, अब इसके परों की लंबाई और इसके दुम की लंबाई चेक कीजिएगा। देखें, ये देखें, उसके जो पर थे वो दुम से 1.5 इंच के करीब छोटे थे, और इसके जो पर हैं ये तकरीबन दुम से भी थोड़े से निकलते हुए हैं अगर आप देखें। ठीक है ना, ये कबूतरी पर इसके बहुत अच्छे लगे हुए हैं, इसकी हड्डी भी सही है, लेकिन देखें इसकी बगलें, देखें बगलें इसकी थोड़ा सा गैप कर गई हैं बॉडी से, शायद बुड्ढी हो गई है इस वजह से, उड़ाते नहीं हैं इसको अब हम लोग। ठीक है, ये इसकी, लेकिन इसको पर लंबा पर जो है वो इसका अच्छा है। ठीक है, दूसरी इसकी हड्डी भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये जोड़ों में मार खा गई है, जोड़ों में फासला बहुत है हड्डी से ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा कबूतर है जो कि पर तो इसको अच्छा लगा हुआ है लेकिन ये हड्डी और जोड़ों से क्या कहते हैं मार खा रहा है। ठीक है ना, तो ये मैं तरीका बताऊंगा कि ऐसे कबूतर जो पर जिनको अच्छा लगा होता है, हड्डी अच्छी होती है, उनसे किस तरह से ब्रीडिंग लेनी है ताकि उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो पूरी हो सके। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये कबूतर दिखाता हूँ, इसके ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ज़्यादा बड़े हैं पर। ठीक है ना, ये दरमियाने पर आएंगे, इसको मैं दिखाता हूँ आपको भी। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये हमारा एक और कबूतर है, इसकी आँख का शौक करें आप लोग।
ये लीजिए, ये आग का शौक करें आप लोग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये हमारा कसूरी कबूतर है और इसको देखें, ये इसका वजूद है पूरा। मैं आपको खड़ा करके भी दिखाऊंगा ये कबूतर, ठीक है दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों हम इसके परों के ऊपर बात करते हैं जो हम देख रहे थे। देखें ये तीसरी तरह का पर होता है लंबाई में, देखें ये, और ये वो सबसे पहला पर जो मैंने आपको दिखाया था कबूतर का, वो 1.5 इंच के करीब छोटा था, और दूसरा पर जो दिखाया था वो एक्यूरेट था, दुम तक क्या उससे थोड़ा बाहर था। अब ये दुम से 1/2 इंच के करीब छोटा है, ठीक है ना। तो ये तीन तरह का पर मैंने आपको दिखा दिया, आप गौर कर सकते हैं इसके शाह पर और इसके दुम की लंबाई को, ठीक है। ये पूरा कबूतर मैंने पकड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और ये इसके परों का पूरा दुम तक आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखें, ये भी एक अच्छा पर होता है जो कि पर दुम तक आ रहे होते हैं शाह पर। अगर जो है ये पर दुम तक आए और छोटे हो जाए, मतलब दुम तक आने तक छोटे हो, यहाँ तक रह जाए या यहाँ तक रह जाए, तो वो छोटा पर अच्छा नहीं समझा जाता, बहुत ज़्यादा छोटा पर अच्छा समझा जाता, ठीक है। दरमियाना पर जो है वो अच्छा समझा जाता है, और तकरीबन बराबर दुम के बराबर का पर जो है वो भी अच्छा समझा जाता है, लेकिन वो पर जो दुम को क्रॉस कर रहा होता है वो भी अच्छा नहीं समझा जाता, दुम को ज़्यादा क्रॉस ना करे कबूतर का शाह पर जो है, ठीक है। अच्छा एक और निशानी आपको बताता हूँ, बहुत सारे कबूतर जब खड़े होते हैं तो उनके पर ऐसे क्रॉस मार जाते हैं, खड़े होते हैं तो ऐसे लटका के क्रॉस करते हैं, ऐसे कबूतरों को ज़रूर शामिल करें और उड़ान के लिए, ऐसे कबूतर उड़ा परवाज में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आज दोस्तों आज मेरा टॉपिक जो था वो ये, आपको लास्ट बात जो मेरी रह गई थी परों के मुतालिक बताना लास्ट वीडियो में, तो मैंने उसके मुतालिक वीडियो बनाई है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कबूतर की खड़ी होनी अभी देखें आप लोग, ये देखें इस कबूतर की खड़ी होनी है, ये देख सकते हैं आप इसकी खड़ी होनी है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और मैंने जो तीन तरह का शाह पर आपको दिखाए हैं और उनकी लंबाई दिखाई है दुम के दरमियान, वो भी आप लोगों को समझ में आएगी। अपने कबूतरों के दरमे में जाएं, इस चीज़ को चेक करें, ज़्यादा छोटे शाह पर हैं जिनके दुम से, उन कबूतरों को बाहर कर दें। ये ख्याल रखिएगा कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कबूतर अपने नए पर ला रहा होता है, तो आप ये ना समझे कि वो कच्चा पर है तो वो छोटा है, कच्चा पर जो है वो वेट करना चाहिए पूरा, जब पूरा आ जाए उसके बाद उसको देखें कि बाज़। अभी जैसे आजकल तो झाड़ का सीज़न नहीं है, तो आजकल कबूतरों के पर पूरे होंगे, अगर किसी का खींचा हुआ है तो वो ज़ाहिर ला रहा होगा अपना, उसका कच्चा पर होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि आप ये समझें कि ये कच्चा पर जो है वो छोटा है तो उस कबूतर को ही निकाल दें, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी ये कि आजकल मेरी छत पे तो कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, मैं कम ही खोलता हूँ, 3-4 दिन में एक दफ़ा खोल देता हूँ धूप लगाने के लिए। चलें दोस्तों, उम्मीद है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ, बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे मैंने शेयर किए हैं, आप लोग वो भी वॉच करें। आई साइन में ऊपर कॉर्नर में देखिएगा तो वो वीडियोस होंगी नुस्खे वाली। चलें अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।